हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि जो हमारी न्यू जॉब वैकेंसी आई है वो सरकारी रिजल्ट के ऊपर आई है। यानी कि जो भी सरकारी रिजल्ट पे जॉब्स आती हैं वो हमारी गवर्नमेंट होती है। ये आप अपने माइंड में एक बात रख लीजिए। तो सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। अब आपको देखा होगा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है, SSC GD कॉन्स्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड फिर देखना है इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह। चलिए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो SSC का मतलब आपको पता ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट पर निकली है, SSC GD की पोस्ट पर निकली है, यानी कि BSF, CISF, ITBF, CRPF, NCAB और SSF, असम रिफिल्स, यानी कि एग्जामिनेशन 2023, इन सब पोस्ट निकली है। तो चलिए देखते हैं फीस वगैरह एप्लीकेशन की। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल, OBC और EVS बच्चों के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, लड़कों के लिए है ये फ़ीस, और SC ST के लिए 0 है, और ऑल कैटेगरी फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल की, OBC की, WSC की, SC की, ST की, उनकी फ़ीस 0 है। यानी कि फीमेल्स की और SC ST बॉयज़ की कोई भी फ़ीस नहीं है। जनरल, OBC और EWS की 100 रुपीज़ फ़ीस है। और देखते हैं ये स्टार्टिंग कब से हुई है इसकी। तो देखिए, 24 नवंबर से इसकी स्टार्टिंग हुई है फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई है इसका 31 दिसंबर 2023, यानी कि 31 तारीख को 11 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो आप 1 तारीख को भी फिलअप कर सकते हैं, 1 तारीख तक फिलअप कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन फ़ीस, 1 तारीख जनवरी 2024 तक। करेक्शन डेट क्या है आपकी, जो आपकी मतलब आपको फॉर्म में करेक्शन वगैरह करनी होती है ऐसे, तो आपकी करेक्शन डेट कब है, 4 से लेकर 6 जनवरी है आपकी 2024 में। एग्ज़ाम डेट CBT, यानी कि एग्ज़ाम जब होगा आपका तो होगा 20 फरवरी से लेके 12 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड आपका आएगा बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि आपका एग्ज़ाम जैसे 20 तारीख को है तो 20 तारीख से 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी एज की। तो इसमें मिनिमम एज तो आपको चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम चाहिए आपको 23 ईयर्स। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वगैरह की। तो फोर्स का नाम है BSF और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 6174, और CISF की है आपकी 11025, CRPF की है आपकी 3337, SSB की है आपकी 635, ITBF की है आपकी 3189, AR की है आपकी 14,990, और SSF की है आपकी 296, NCB की आपकी कोई पोस्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इन सभी पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने 10th क्लियर कर रखा हो, तो आपको मेन इस पे 10 चाहिए। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट को बता रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आता है आपका फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी। तो फिज़िकल में आपको हाइट जो चाहिए मेल को, जनरल, OBC और SC वाले मेल को चाहिए 170 सेंटीमीटर, और मेल ST को चाहिए, ST मेल के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, और फीमेल जनरल, OBC, SC वाली फीमेल्स को चाहिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल ST वाली को चाहिए 150 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट मेल जनरल वालों को चाहिए, OBC SC वालों को 80 to 85 सेंटीमीटर, और मेल ST वालों को चाहिए 76 to 86 सेंटीमीटर। फीमेल की कोई चेस्ट का इसमें माप नहीं रखा है। रनिंग में आपको चाहिए मेल को, जनरल और OBC SC वालों को 5 किलोमीटर in 24 मिनट्स, यानी कि 5 किलोमीटर आपको भागना होगा 24 मिनट में, और मेल SC वालों को चाहिए 5 मिनट 24 मिनट, दोनों की रनिंग सेम है। अब बात करते हैं अपनी गर्ल्स की। तो जनरल, OBC और SC गर्ल्स की, और SC गर्ल्स की दोनों की सेम ही रनिंग रखी गई है, 1.6 किलोमीटर in 88.5 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कैसे होगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपको नीचे लिंक दे रखा है अप्लाई टू ऑनलाइन का,
तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और भी नोटिफिकेशन देखनी है, इसके बारे में और जानना है, तो आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है हाउ टू रजिस्ट्रेशन की, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तब आप ये वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। सिलेबस आपको कैसे पता चलेगा, सिलेबस का ऑप्शन दे रखा है, तो सब चीज़ें इसमें आपको बता रखी हैं, आप देख सकते हैं जाकर। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हमारे साथ ऐसे ही नई नई नोटिफिकेशंस के लिए, नई नई जॉब्स के लिए बने रहिए। आई होप कि आपको हमारी सब चीज़ें पसंद आती हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।